Hello, my dear students. Very, very good evening to you all and welcome to Unacademy's YouTube channel. Let's crack UPSC-CSE. Unacademy ki YouTube channel Let's crack UPSC-CSE mein guys, aap logo ka bahut bahut swagat hai. Hope you all are fit and fine. Kaise hain aap log guys? So very, very good evening to you all. Very, very good evening to you all. Very good evening, Rupa, Yasmin, Nitin, Shaurav, Nalan Raj, and then Vinom, Vinay, or Fir Ria, Muhammad Iqbal, Neha Mishra, Anand Singh, Jaya Singh, Asim, Mahima, okay, Aman, Dr. Rajkumar, Nisha Bharti, Rinki Gupta. Guys, aap log ka bahut bahut swagat hai, bahut bahut swagat hai. Manish Singh, Arvind Sangu, kaise hai aap log guys? Hope you all are fit and fine. Yes, I am fine. Yasmin, I am very fine. Aap kaise ho? Kya lockdown ke aap acche se palan kar rahe ho? Welcome Purva Chauhan, Umesh Kumar, Priyam Bhattacharya, how are you? Pintu Kumar, Einstein, hope so. Kaise my dear friends? How are you? Satya, how are you? Me fine, me fine. Guys, so, Riya Rathor, kaise chal rahi hai aapki taiyari? Komal, kaise hai aap? Fine, good, good. Ha guys, kya karun yaar, dekh raha is lockdown mein bilkul hairstyle ki halat kharab ho rahi hai. And today I am in, this is called as murga style. Aaj main murga style mein hu guys. Fine, kya karun? Koi baat nahi guys. आजकल सिर्फ मुझे एक ही ध्यान है गाइस कि आपके आपके लिए मैं कैसे अल्टीमेट कंटेंट लेकर आऊं. सो टुडे आई एम आजकल वेरी बिजी वेरी बिजी वेरी बिजी इन ऑल दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज इन हिंदी मुर्गा स्टाइल. क्या करा जाए, कोई ऑप्शन नहीं गाइस. तो घर से बाहर नहीं जा रहा एंड आई थिंक आई स्ट्रांगली रिक्वायर्ड हेयर कट व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन दिस लॉकडाउन. कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब आप लोगों के आंखों का प्यार है और दिल का लगाव है, कुछ भी चलता है गाइस, बस क्या करा जाए. एंड दिस मुर्गा स्टाइल टर्म इज गिवन इंस्टेंटली, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था दोस्तों. फाइन, बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन. तो फिर भी कोई बात नहीं गाइस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. ठीक, अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं प्रिपरेशन के लिए और यस आगे बढ़ते हैं. लेट्स वर्क हार्ड, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स क्रैक इट. खूब मेहनत करें और गाइस लग के अच्छे से तैयारी करते हैं. फाइन, माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अजीत तिवारी, नाउ हैविंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स. और आप जानते हो गाइस, आई यूज टू इंटरेक्ट अ लॉट विद यू गाइस. फाइन, मैं चाहता हूं कि हम चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना मिल रहे हो, आपके मन में कोई ऐसा अफसोस ना आए कि आप डेली यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए नहीं आ पाए. ओके गाइस, सो ऑलवेज टॉप एजुकेटर्स अनकेडमी पे जो अब आ गए हैं वो आपके लिए गाइस, दे आर ऑलवेज रेडी. आई एम ऑलवेज रेडी 24/7 रेडी फॉर यू गाइस. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी एनी डाउट, feel free to ask on 9873987698. आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. फाइन, देन आई विल लेट यू नो कि किस टाइम पे हम लोग आपसे बात कर सकते हैं. ओके गाइस, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल अजीत तिवारी सर एट द रेट जनरल स्टडीज. टेलीग्राम डाउनलोड मोबाइल में कर लीजिए ऐप, उसके सर्च बार में आप पूरा टाइप करेंगे अजीत तिवारी सर एट द रेट जनरल स्टडीज. कुछ और चैनल्स मेरे फेक नाम से बने हुए लोगों ने बना रखा है, बट दिस इज माइन चैनल. लिंक इज t.me/ajitlive इज कैपिटल गाइस, मैजिकल वर्ड इज अजीत लाइव. आप इस अजीत लाइव पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों, सो फॉलो मी जस्ट नाउ unacademy.com/@ajitlive. एट द रेट अजीत लाइव पे आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो.
दिस इज माय यूट्यूब चैनल अजीत तिवारी सर. अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ. वेरी सून आई एम कमिंग विद AMA आस्क मी एनीथिंग सेशन. और फिर मैं उस लाइव इंटरेक्शन पे गाइस बहुत जल्दी आने वाला हूँ और फिर मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा कि लॉकडाउन में क्या आपके हालात हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, क्या स्ट्रॉन्ग बात चल रही है, क्या वीक बात चल रही है, कैसे इंप्रूव करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. मैं आपसे इस पे इंटरेक्ट करने वाला हूँ गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अजीत तिवारी सर वेरी सून. होप सो टुमारो और होप सो विद इन 1-2 days. फाइन. राइट नाउ आई एम गाइस वेरी बिजी फॉर योर मैराथन सेशन. मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जीसी लियोन पार्ट थ्री इज कमिंग ऑन संडे और इस बार थोड़ी टाइमिंग चेंज है. इट इज 1 PM एंड गाइस विद प्रॉपर प्रिकॉशन आई विल गो टू स्टूडियो बिकॉज ये बहुत ही अल्टीमेट सेशन होने वाला है. गाइस अल्टीमेट सेशन ये होने वाला है जीसी लियोन का पार्ट थ्री. गाइस क्या आप लोगों ने जीसी लियोन के पार्ट 1, पार्ट 2 देख लिया? नहीं देखा? डू इट नाउ. And within 2 days of GC Leong, I will come with Sankar Part 3. So, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या Sankar IAS के Environment के Marathon के Part 2 को देख लिया आप लोगों ने? Yes or no? नहीं देखा? आज से कल तक, ठीक? आज अपने दोस्तों के साथ झमाझम gift दो उनको आप. From your side, with my support, my marathon sessions, दोस्तों को झमाझम शेयर करो आप. कि आप Sankar IAS के पार्ट 2 को कंप्लीट करो बिकॉज सर इज कमिंग विद द पार्ट 1 आल्सो. ओके गाइस, तो आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक UPSC-CSE विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. सो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया सो गो फॉर द गेट सब्सक्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अजीत लाइव. This is magical code. ठीक, क्योंकि always आप जानते हो जैसे आप कोड यूज करते हो guys, तो always I will be your personal mentor. और मैं always आपके लिए ready हूँ guys. Fine. So Ajit Live is the code to use for the Unacademy subscription. क्या मिलेगा आपको? Daily live classes, structured courses, live test and quizzes, MCQ series, अनलिमिटेड एसेस. आप एक वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो. फाइन. एंड ऑल दिस टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमी मृणाल पटेल, साइंस एंड टेक मिस्टर रोमन सैनी एंड सो ऑन. अल्टीमेट टीम इज प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी प्लस कोर्सेस. फाइन. और फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है. जैसे आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, अजीत लाइव कोड यूज किया, सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप और फिर आपके पूरी प्रिपरेशन के दौरान गाइस आई विल हेल्प यू, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर. फाइन. कोई स्ट्रेस, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भटकने नहीं दूंगा. फाइन. अगर आपके पास प्लस आ जाए गाइस, मस्ट वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स. और जितने लोगों के पास प्लस सब्सक्रिप्शन है आप इस कोर्स को जरूर देखें एंड डाउनलोड ऑल PDFs, ऑल PPTs, अल्टीमेट इमेजेस, अल्टीमेट कंटेंट. कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है. माय डियर स्टूडेंट्स, जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है, दिस अल्टीमेट 50 वीडियोस, तब तक आप इन 50 वीडियोस से काम चलाएं. क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन 50 वीडियोस को देखा है? स्टूडेंट्स ने इसे अनअकैडमी पे बहुत सारा मेल किया है एज इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब कोर्स. बिग थैंक्स फॉर यू गाइस. ठीक, ये आपको मैंने 50 वीडियोस जो दी हैं, ओके, तो इसे आप आराम से समझें. 50 वीडियोस आर देयर इन द प्लेलिस्ट गाइस. मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसे शेयर कर दूंगा. हाईली बेनिफिशियल फॉर नंबर ऑफ कोर्सेस. ठीक, चाहे आप RPSC का ACF दे रहे हो, EPFO दे रहे हो, CSE दे रहे हो, PCS दे रहे हो, फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन वेयर एनवायरमेंट इज कमिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस, आप जल्दी से इस बात को समझें कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोर्सेस हैं एंड फॉर 1 ईयर फी इज ओनली 40,000
और जैसे इस बॉक्स में आप कोड यूज करोगे अजीत लाइव डिस्काउंट ऑफ 10% इट बिकम्स 36,000. अल्टीमेट कोर्स ऑफ अनअकैडमी इज फॉर 2 ईयर फी इज 48,000 और जैसे आपने बॉक्स में कोड यूज किया इट बिकम्स 43,200. कैन यू इमेजिन 43,200 में पूरा ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस 80+ मेरे साथ साथ 80+ टॉप एजुकेटर्स 80+ टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल. माय डियर स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे आप लॉगिन करेंगे सीएसई कैटेगरी में जाएंगे ध्यान सुनिएगा सीएसई कैटेगरी में जाएंगे सर्च करेंगे अजीत तिवारी और जैसे आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे गो फॉर स्पेशल क्लासेस. माय डियर स्टूडेंट्स 1 to 10 मैंने एमसीक्यू सीरीज करा रखी है. प्लीज डू इट टुडे एंड टुमारो. कल फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज लेकर आने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि आप प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करें. गाइस आई हैव टेकन वन क्लास ऑन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट उसे आप जरूर देखें. मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं डू दिस डोंट डू दिस अगर आप करोगे यू विल बी इन माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मीन सिलेक्शन. गाइस अगर लापरवाही करोगे नहीं सुनोगे तो 1-2 साल बाद मेरी बातों को सुनोगे आप अच्छे बच्चे हो बात समझोगे और आगे बढ़ोगे. मस्ट वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी अल्टीमेट सेशन इज देयर. लेट्स रिवाइज सेगमेंट में आते हैं गाइस. आज मैं आपसे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछने वाला हूं जो आपने अभी तक मुझसे पढ़ा. ठीक सो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग है. बी क्विक एंड फास्ट एंड राइट इन कमेंट सेक्शन. क्योटो प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग है. क्योटो प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग है. वियना कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग है. वियना कन्वेंशन. बी क्विक एंड फास्ट. वियना कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग है. माय डियर स्टूडेंट्स रैमसर कन्वेंशन. रैमसर कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग है. रैमसर कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग है. सेकेंड फेब को आप कौन सी डे मनाते हो. सेकेंड फेब इज डिक्लेयर्ड एज विच डे. सेकेंड फेब इज डिक्लेयर्ड एज विच डे. गाइस आप सेकेंड फेब को कौन सी डे मनाते हो. सेकेंड फेब इज डिक्लेयर्ड एज विच डे. गाइस लेट मी नो 3rd March को आप कौन सी डे मनाते हो. 3rd March इज डिक्लेयर्ड एज विच डे. 3rd March इज डिक्लेयर्ड एज विच डे. 3rd March इज डिक्लेयर्ड एज विच डे. फाइन 5th June को आप वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हो बिकॉज ऑफ विच कन्वेंशन और विच कॉन्फ्रेंस. नॉट कन्वेंशन विच कॉन्फ्रेंस. विच कॉन्फ्रेंस. 5th June को आप वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हो बिकॉज ऑफ विच कॉन्फ्रेंस. सो 2nd Feb इज वर्ल्ड वेटलैंड डे. 3rd March इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. 16 September वर्ल्ड ओजोन डे एंड 5th June वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बिकॉज ऑन दिस डे UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट स्टार्टेड. गाइस आपको याद आ रहा है. आइए जरा जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं. लिसन वेरी केयरफुली. क्या आप लोगों ने BT कॉटन के बारे में सुना है. क्या आप लोगों ने BT कॉटन के बारे में सुना है गाइस. लेट मी नो गाइस BT कॉटन में जो जीन कॉटन में इंसर्ट करते हो आप दिस जीन इज टेकन फ्रॉम. ए जीन कहां से लिया. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया. वायरस. फंजाई या इंसेक्ट. BT कॉटन में जीन आपने कहां से लिया. बैक्टीरिया वायरस फंजाई इंसेक्ट. गाइस इट इज अ सॉइल बैक्टीरियम. ये सॉइल में रॉड शेप्ड छड़ के आकार का लंबा बैक्टीरियम है. जब बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होती है आप उसे बैसिलस बोलते हो. इट इज कॉल्ड एज बैसिलस. इट इज सॉइल बैक्टीरियम. ठीक
इस बैक्टीरिया के जीन को लिया. द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज बैसिलस बैसिलस थ्रनीजियंसिस थ्रनीजियंसिस. जब भी हम बाइनोमियल सिस्टम में नाम लिखते हैं तो नाम के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज जीनस, सेकेंड पार्ट इज स्पीसीज. जीनस कैपिटल में लिखेंगे, स्पीसीज को स्मॉल से लिखते हैं. ठीक, तो जीनस का बी और स्पीसीज के स्मॉल टी, बी टी कॉटन. दैट मीन्स जीन इज इंसर्टेड फ्रॉम बैक्टीरियम, सॉयल बैक्टीरियम, और ये जीन जब एक्सप्रेस करेगी तो प्लांट के बॉडी में बनाएगी क्राई प्रोटीन. ठीक, और जब इंसेक्ट्स वॉर्म्स इस कॉटन के लीफ फ्रैगमेंट्स को खाएंगे, ये प्रोटीन उनके गट में जाके एलिमेंट्री कैनाल में जाके एक्टिव होगी. एंड दे विल फील लिथार्जी, दे विल फील स्लीपी, एंड विद मैक्सिमम टाइम इफ दे विल स्लीप, बट ऑब्वियस व्हाट विल हैपन, दिस विल कॉज लो डैमेज टू द क्रॉप. ये बहुत ही बेसिक सी बात थी, बहुत पुरानी सी बात थी, तो आखिर इसकी चर्चा अब क्यों हो रही है? बिकॉज नाउ जीएम क्रॉप इज इन यूज विच इज व्हाइट फ्लाइज रेजिस्टेंट कॉटन फील्ड. गाइस क्वेश्चन इज, आखिर इस व्हाइट फ्लाइज वाले को डेवलप किसने किया? ए सी एस आई आर नीरी, बी एम बी आर आई, सी सी डी आर आई, डी नन. एन सी एस आई आर नीरी, एन बी आर आई, सी डी आर आई, नन. डेवलप्ड बाई होम. आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस, इट वॉज डेवलप्ड बाई होम. Developed by whom? Guys, be quick and fast. Jaldi, fatafat. So guys, right answer is, be attentive, dhyan sunenge. It is developed by NBRI, National Botanical Research Institute. And guys, you will feel very happy to know that around 8-9 strains of mine, मेरे 8-9 स्ट्रेंड्स जिनको मैंने एमएससी के बाद सीएसआईआर एग्जाम के लिए पढ़ाया था, दे आर डूइंग वंडर्स, दे आर डूइंग पीएचडी इन एनबीआरआई. ठीक, सो इन अ मूव टू फाइट अगेंस्ट व्हाइट फ्लाइज, गाइस आपकी परफॉर्मेंस हमें प्राउड करती है. फाइन, जो लॉट ऑफ सिलेक्शन मेरे स्टूडेंट ने दिया इन आईएएस, इन आईईएस लास्ट ईयर 5th रैंक IAS, ठीक, आप उसके वीडियो मेरे YouTube पे देख सकते हो आप. सो योर परफॉर्मेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर अस टू वर्क वेरी हार्ड. NBRI हैज डेवलप्ड अ पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉटन. तो कॉटन वैरायटी को कहां टेस्ट करेंगे? फील्ड टेस्ट, सेंटर ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में इसका फील्ड टेस्ट कराया. फाइन, व्हाइट फ्लाइज गाइस वन ऑफ द टॉप 10 डिवास्टेटिंग पेस्ट, नॉट ओनली इन द इंडिया बट इन द वर्ल्ड. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको जान के दुख होगा कि ये 2000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज को डैमेज करती हैं. एंड दे आर एक्टिंग एज अ वेक्टर, ये 200 से ज्यादा प्लांट वायरसेस को कैरी करती हैं. माय डियर फ्रेंड्स, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. आर यू गेटिंग? जब शरीर के बाहर होगा निर्जीव, शरीर के अंदर होगा बिकॉज ऑफ एनी वेक्टर, एनी कैरियर, एनी ट्रांसमिटिंग एजेंट, कैन बी लिविंग, कैन बी नॉन लिविंग, इट इज बिहेविंग एज अ लिविंग. सारे लिविंग कंपोनेंट के पास डीएनए एंड आरएनए दोनों होता है. वायरस इज द ओनली एक्सेप्शन, या तो इसके पास डीएनए होगा या तो इसके पास आरएनए होगा. ठीक, तो गाइस आप इसे समझने वाली बात यह है कि ये मोर देन 2000 प्लांट को ये डैमेज करता है. ठीक,
हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, कैसे पूरे अगर इस पे पेस्ट एक्ट करेगा, हाउ दिस विल कॉज डैमेज टू क्रॉप स्पीसीज, आप इसे विजुलाइज कर सकते हो गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। My dear friends, have a look. In 2015, the white flies devastated more than 2/3 cotton crops in Punjab. Can you imagine? Of all crops, cotton is the worst hit by white flies. आपकी जरूरत क्यों पड़ी? सोचो 2/3 से ज्यादा की फसल अगर नष्ट हो जाए और ये पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 डिवस्टेटिंग पेस्ट है, 2000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज को डैमेज कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है इनका इलाज करना जरूरी है। ठीक, देयर वाज आर्टिकल इन द हिंदू, आई हैव टेकन द क्लिप फ्रॉम द हिंदू, हिंदू से मैंने क्लिप लिया था गाइस ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। ऑफिस गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 650 करोड़ की कॉम्पनसेशन अनाउंस की थी, है ना? जरा इस बात को माय डियर फ्रेंड्स आगे समझते हैं। बीटी कॉटन इज ऑल्सो GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, एंड प्रेजेंट इन द मार्केट फॉर द फार्मर्स, लेकिन इट इज रेजिस्टेंट टू ओनली टू पेस्ट, जो इसीलिए मैंने आपसे बात किया कि बीटी कॉटन इज नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट व्हाइट फ्लाइज, दे आर नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट व्हाइट फ्लाइज, दैट इज वाई आई हैव डिस्कस अबाउट बीटी कॉटन। फाइन गाइस, टेक्नोलॉजी यूज क्या हुआ, सिर्फ आपको थोड़ी सी नाम जाननी है, ठीक, थोड़ी सी आपके नाम जाननी, बिकॉज आपके सीएससी प्रीलिम्स में बहुत टेक्नोलॉजी यहां नहीं पूछेगा, दिस वी आर डीलिंग इन आवर रिसर्च बैचेस। लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल प्लांट्स वेयर प्रिपेयर सेपरेटली एंड व्हाइट फ्लाइज वेयर अलाउड टू फीड ऑन देम। आपने देखा, क्या देखा भाई, कि टू डेवलप द पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, रिसर्चर्स ने क्या किया, एक्सप्लोर 250 प्लांट्स फ्रॉम द लोअर प्लांट बायोडायवर्सिटी टू आइडेंटिफाई नोवेल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर टॉक्सिक टू द व्हाइट फ्लाई। काश कुछ टेक्नोलॉजी हमारी काम आती और हम कोरोना वायरस के वैक्सीन भी बना पाते, होप सो आगे जाके पॉसिबल हो जाए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, फर्न FERN, ये एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट, बहुत ध्यान सुनना, जिन्होंने स्कूल डेज में बायोलॉजी नहीं अच्छे से पढ़ा है उनके लिए, दे आर द फर्स्ट प्लांट इन विच जाइलम एंड फ्लोयम, ये सबसे पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें जाइलम और फ्लोयम की उत्पत्ति हुई। जाइलम XYLEM, ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज बी अटेंटिव ऑन द सेशन, मैं जो आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं आप उसे बहुत ध्यान सुनना। माय डियर फ्रेंड्स, जाइलम वाटर के साथ साथ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में अपवर्ड मूवमेंट में इन्वॉल्व है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप, ASCENT, एसेंट ऑफ सैप, बहुत ध्यान सुनेंगे, आई एम गोइंग टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर जेसी बोस, जगदीश चंद बोस ने बताया था पौधों में जीवन है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इन इंडिया, इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी अबाउट एसेंट ऑफ सैप, उसे बोलते पुलसेशन थ्योरी, बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नाउडेज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑन एसेंट ऑफ सैप इज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली, दो साइंटिस्ट डिक्सन और जॉली ने सबसे पॉपुलर थ्योरी दिया एसेंट ऑफ सैप की। फाइन, और फिर इस थ्योरी की बात करें गाइस, तो ये बताती है प्लांट में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग विथ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स,
कि कैसे रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं पैसिवली और कैसे जाइलम के थ्रू इन वाटर और सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स की अपर ट्रांसपोर्टेशन होती है. सो फर्न आर द फर्स्ट प्लांट इन विच जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप्ड, इसीलिए आप इन्हें बोलते हो वेस्कुलर प्लांट. एक पॉपुलर फर्न है जिसे आप खाते हो, एडिबल है, सलाद के रूप में खाते हो आप, टेक्टेरिया मैक्रोडोंटा. क्वेश्चन में आएगा टेक्टेरिया मैक्रोडोंटा वाज रिसेंटली इन न्यूज, क्योंकि आर्टिकल द हिंदू में था, प्रीलिम्स में पूछ लेगा. ए न्यूली स्पीसीज प्लांट इन हिमालय, स्पीसीज अंडर सीवियर थ्रेट इन वेस्टर्न घाट, स्पीसीज अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ COVID-19, लोग फटाफट इसी को ऑप्ट करेंगे. एंड डी नॉन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव. क्या गाइस आप इस बात को समझ पा रहे हो? सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टेक्टेरिया मैक्रोडोंटा कॉजेस टॉक्सिसिटी टू द व्हाइट फ्लाई और नेपाल में इसे सैलेड ग्रुप में लोग खाते हैं. ठीक, ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में हेल्प करता है. ठीक, एंड गोस इन फेवर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द फर्न. सो आपने देखा है एंशियंट टाइम से हमारे पास एक से एक फर्न है. टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व अब हुई है, पहले से आपके वेदास में, आयुर्वेदास में, हर्ब्स में, ठीक, आप इनके बारे में सुन चुके हो. गाइस, इट वर्क्स अगेंस्ट व्हाइट फ्लाइज बट बीइंग सेफ फॉर एप्लीकेशन ऑन द क्रॉप प्लांट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम देम. ठीक, ये व्हाइट फ्लाइज को क्या करेगा? इंटरफेयर्स विद द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, वेरी पुअर एग लेइंग पॉपुलेशन ड्रॉप करेगी, एबनॉर्मल एग्स रप्चरिंग होगी. ठीक, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुअर इमर्जेंस ऑफ द फ्लाई, बट ऑब्वियस उनको डैमेज करेगा. हमें इस बात को समझने की जरूरत है. व्हाइट फ्लाइज फीड ऑन प्लांट लीव्स ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट. माई डियर फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन इज वेरी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ पैथोजेंस. इन ग्रीन हाउसेस दे प्रीडोमिनेट फर्दर एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम व्हाइट फ्लाइज. कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो कि एक व्हाइट फ्लाई, अब सोच सकते हो आप, क्योंकि COVID-19 में आपने देखा कि एक वायरस कैसे पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को डैमेज करता है. हाउ वन वायरस इज कॉजिंग नाउ अडेज मैसिव डैमेज टू आवर इकोनॉमी. वैसे इस व्हाइट फ्लाई ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर पर एनम का इकोनॉमिक डैमेज किया है. गाइस, कैन यू इमेजिन हाउ मैसिव लिथल डैमेज इट इज कॉजिंग, क्योंकि अब आप COVID-19 के पास बात इस बायोलॉजिकल थ्रेट को आप समझ पा रहे हो. हाउ दिस इज वेरी सीरियस थ्रेट. थैंक्स टू अनअकैडमी कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो. एंड थैंक्स टू अनअकैडमी गाइस कि हम घर बैठे आपको फ्री में भी बहुत सारी क्लासेस दे पा रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेशल क्लासेस. बट गाइस, फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन यू शुड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा. यू कैन अंडरस्टैंड आई एम टीचिंग ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म ऑल्सो, स्पेशल क्लास ऑल्सो. यू हैव सीन हाउ इंटरेक्टिव स्पेशल क्लासेस आर. आपने देखा है कि कितनी अल्टीमेट कॉम्पिटिशन हो रही है. एंड गाइज, ऑल द टॉपर्स ऑफ द MCQ सीरीज मैक्सिमम ऑफ देम आर इन प्लस कोर्सेस, दैट इज वाई दे आर हैविंग अ गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट. और जो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑन दिस प्लस स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड एक्सलेंट, उन्होंने अल्टीमेट परफॉर्मेंस किया हुआ है. मैं चाहता हूं कि आप भी झमाझम परफॉर्मेंस दो. सो गाइज, गो फॉर द प्लस. ठीक, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो गो फॉर द प्लस, नहीं कर पा रहे, जब अफोर्ड कर पाओ गो फॉर द प्लस, क्योंकि ये मेरी बात आपको कुछ महीनों में समझ में आएगी, लेकिन टाइम निकल जाएगा गाइज. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. सो
फ्लोएम से क्या होती है, फूड की ट्रांसलोकेशन होती है। गाइस आपके पास तीन ऑप्शन है, प्लांट्स में फूड की ट्रांसलोकेशन, ए ग्लूकोज के फॉर्म में, बी सुक्रोज के फॉर्म में, सी स्टार्च के फॉर्म में, और डी जब आपको समझ में ना आए तो नन के फॉर्म में। प्लांट्स में फूड की ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होती है। फ्लोएम किस फॉर्म में करता है, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च नन, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च नन, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च नन, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च नन। गाइस सबसे फालतू को ऑप्शन इज स्टार्च, स्टार्च सबसे फालतू ऑप्शन है बिकॉज स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, तो कभी फूड की ट्रांसलोकेशन स्टार्च में नहीं हो सकती गाइस। सो स्टार्च में नहीं हो सकती, स्टार्च इज रिजर्व फूड इन प्लांट, आपके बॉडी में रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन, आपके बॉडी में ग्लाइकोजन आपके लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, ठीक ओके। सो वर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्च, फालतू का ऑप्शन स्टार्च, नन है नहीं। प्लांट में फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है, एक्सेस फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, एंड ट्रांसलोकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज सुक्रोज, सुक्रोज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इज फ्रूट सुगर, फ्रक्टोज इज फ्रूट सुगर, एंड ग्लूकोज इज पॉपुलरली कॉल्ड एज ग्रेप सुगर। गाइस बहुत जल्दी ही मैं प्लस पे अल्टीमेट कोर्स ऑन बायोलॉजी लेकर आने वाला हूं। गाइस मैंने मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स को, 2 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स को, व्हेन आई वाज इन मेड इजी, मैंने मेड इजी में 2009 से लेकर 16 तक हर साल 50,000 इंजीनियर्स को पढ़ाया है लगभग, तो कई लाख बच्चों को मैं इंजीनियर्स को पढ़ा चुका हूं, उनकी मैंने बायोलॉजी अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग करी है, और वो यूपीएससी के ईएससी एग्जामिनेशन में 90% क्वेश्चंस वेयर कमिंग फ्रॉम माय क्लास नोट्स, बिकॉज यू नो दैट माय कवरेज इज अल्टीमेट। जितने लोग सिंसियर है वो इन बात को समझते हैं कि आई एम कवरिंग अल्टीमेट। ओके गाइस, सो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, and food in the plant is in the form of sucrose. Sucrose is popularly called as cane sugar, and it is combination of glucose and fructose. Glucose is grape sugar, fructose is fruit sugar. Kya guys, meri baat aap log samajh pa rahe ho? Yes or no? Fine, just give me a big thumbs up. Aur agar aapko content samajh mein aa raha hai, to video ko like jarur karein. और दोस्तों के साथ झमाझम शेयर करें। सी हाउ दिस टिक्टेरिया मैक्रोडोंटा कहां का नेटिव है, यूपीएससी सीधे पूछेगी। टिक्टेरिया मैक्रोडोंटा इज नेटिव ऑफ ट्रॉपिक एरियाज ऑफ एशिया, ठीक। अब ध्यान सुनना, सेकंड स्टेटमेंट, इट इज फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, लोग सोचेंगे सही है, commonly found in western ghat of India. ठीक, the fern is known to be salad in Nepal. ठीक, और ये gastric disorder में many regions of Asia में guys it is helpful. Question बनेगा, consider the following statements regarding Tictaria macrodonta. Question ऐसे बनेगा, recently Tictaria macrodonta was in news and it is mammal, amphibian, reptile, pteridophyte. Mammal, amphibian, reptile, pteridophyte. Question ऐसे बनेगा। So guys, ये आपको कुछ plants दिख रही हैं। NBRI के बारे में बात किया था मैंने आपसे, it is in Lucknow
और ये टैक्सोनॉमी और मॉडर्न बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक। ये काफी फील्ड में रिसर्च कर रहा है। इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टमेटिक्स, कंजर्वेशन, प्रोस्पेक्शन एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट। सो हमारी इंडियन साइंटिस्ट, हमारे यंग साइंटिस्ट, दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। वायरोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट इंडिया के बहुत अच्छा कर रहे हैं। सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड, दे आर डूइंग ग्रेट इन द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी इन जर्मनी, इन हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड, दे आर डूइंग ग्रेट इन द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी। आप देखेंगे अपने फेसबुक पेज पर, मैं शेयर करने वाला हूँ अपने दोस्तों की पब्लिकेशंस। आई एंटर इन दिस फील्ड और मैं आपको इस फील्ड में आगे पढ़ा रहा हूँ। गाइस, क्या आपको मालूम है कि हमारा प्यारा राजस्थान 40% से ज्यादा एनवायरमेंटल क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिपोर्ट ऑफ सी एजी। राजस्थान अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम्स इन इंडिया। ये सीएजी की रिपोर्ट है गाइस। क्वेश्चन इज, आखिर ये क्या कर रहे हैं लोग? 40% से ज्यादा एनवायरमेंट की क्राइम इंडिया में राजस्थान में हो रही थी। अभी हाल ही में सीएजी ने रिपोर्ट दिया, फाइन, इन 2014 टू 16 के बीच का ये सीएजी की आंकड़ा है, जो आपको बिल्कुल गंभीर बना देती है। हैव अ लुक, माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप इस अरावली रेंज को पहचान पा रहे हो? आपके लिए कुछ सवाल राइट इन कमेंट सेक्शन। अरावली एक, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, अरावली एक कैसा माउंटेन है? यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ए इज यंग, बी इज ओल्ड। यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन। माय फ्रेंड्स, इट इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड नाउ ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिडुअल माउंटेन और रिलिक्ट माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन और रिलिक्ट माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन और रिलिक्ट माउंटेन। तो ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो अब रेजिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और दिल्ली में इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज दिल्ली रेंजेस। ये दिल्ली में दिल्ली रेंजेस के नाम से फेमस है। क्राइम्स जो मोस्टली राजस्थान में है, इट इज रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। लोगों ने क्या किया है, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज किया है विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। वाइल्ड लाइफ की कैप्चरिंग करी है, ठीक, कुछ पॉइजनिंग करी है, ट्रैपिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक। लोग काफी थ्रेट में आ गए हैं। देखो कैसे हम लोगों ने मैसिव इंपैक्ट किया है, एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन, हम लोगों ने कॉज किया है गाइस, एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट। द क्राइम पॉइंटेड आउट दैट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट्स वर नॉट एस्टेब्लिश ऑन द स्टेट। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इन्होंने वायलेट किया गाइस। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 या 1972? 1986 या 1972? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 या 1972? और हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स 15,723, जो पूरी रिपोर्ट हुई थी उसका, मोर देन 6,000 ओनली इन द राजस्थान, मोर देन 6,000 ओनली इन द राजस्थान। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉल एज अम्ब्रेलास एक्ट। कल मैंने आप लोगों से इसके बारे में गाइस डिस्कस किया था। इट पॉइंटेड आउट दैट टूरिस्ट एक्टिविटी इन रणथंभौर टाइगर रिजर्व,
and Sariska Tiger Reserve could not be regulated. Ranthambore Tiger Reserve or Sariska Tiger Reserves mein anthropogenic activities jyada badhi. Core areas Ranthambore ke monsoon season mein close nahi hue. Theek, Abida Barajkar Park in Kota mein, Kota ke park mein jabardast garbage dumping hai. Theek, firing range of armies, industrial areas, slum areas, they are offering threat. Ranthambore Tiger Reserves kahan present hai? In the eastern part of Rajasthan, Karauli and Sawai Madhopur district, junction of Aravali and Vindhya Hill Range. Agar koi Tiger Reserve, agar koi National Park, agar koi sanctuaries news mein aati hai kisi bhi kaan bas, to wahan se question puche jane ki sambhavnaye badh jati hai. It comprises Ranthambore National Park as well as Sawai Mansingh and Kela Devi sanctuaries. Wo isi mein guys aayengi. Yahan pe jo khas tree hai, Hindi mein dhaak bolte ho, it is tropical dry deciduous Butea monosperma, jo drought condition ko aram se survive kar leta hai. Dekhiye, ye tiger aap se pooch raha hai ki why you guys are causing habitat loss and fragmentation. Aap apne ghar mein kyun nahi rehte ho? Why you are causing man wild animal conflict? Isme leopards, striped hyenas, Hanuman langurs, rhesus monkeys, jackals, jungle cats, blackbirds, chinkaras, all these are found. All these are found. Sariska Tiger Reserve. Kaha milega? Alwar district of Rajasthan. Famous for scrub thorn arid forest, dry deciduous forest, grassland and rocky hill. Isse Tiger Reserve ka status kab mila? 1978. Wildlife sanctuaries declared as National Park in 1990. Question kaise banega? Sariska Tiger Reserve recently in news is in Dash district of Rajasthan. Second, famous for dry deciduous forest and grassland. Third, it is also a wildlife sanctuaries and national park. Select the correct code. Guys, yahan pe sare quotes, sare points sahi the. So you will go for all of the above. Guys, aaj main aapko itne pe chhod raha hu. Aap apna bahut khyal rakhein. Tomorrow session is going to be longer. Kal ki session thodi lambi hone wali hai. Aap apna bahut khyal rakhein. Lockdown ka strict palan karein. And guys, see you on Sunday 1 p.m. for GC Leong Part 3. And very important, आप संकर IAS के मैराथन 2 को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करो. कम से कम 4-5 दोस्तों के साथ शेयर करो. Let's make it viral, let's crack it. और फिर मैं संकर Part 3 लेकर guys आने वाला हूँ. आप वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें, खूब पढ़ाई करें guys. You can do, you can work hard, you can crack. So let's work together, let's crack it, let's work hard. Aap khud ko kahin se kam mat aako. Always for you guys, any problem, any query, any doubt regarding Unacademy platforms, feel free to ask. Agar aapke paas mere broadcast WhatsApp ke nahi aa rahe aur aap mere WhatsApp group se judna chahte ho, to send me your name. आप कहां से हो? 9873987698 पे. गाइस, क्या आप लोगों को WhatsApp पे ब्रॉडकास्ट मिल रहा है? यस और नो. अगर आपको WhatsApp पे मैसेज मिल रहा है तो राइट इन कमेंट सेक्शन यस यस यस. नहीं मिल रहा है, नो नो नो. राइट इन कमेंट सेक्शन यस मिल रहा है तो, नो नहीं मिल रहा है तो. थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल. अपना बहुत ख्याल रखें.